नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के समस्त कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच पेन डाउन स्ट्राइक की गई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि सभी पेंशन विहीन कर्मचारी लगातार अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत हैं, जिसके लिए समय समय पर सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपनी मांग विभिन्न तरीकों से रखी गई, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली बारे में कुछ नहीं किया गया है, जिस कारण पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के हर एक कर्मचारी द्वारा पेन डाउन स्ट्राइक की गई। इस पेन डाउन स्ट्राइक के लिए नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों से भी समर्थन मांगा था। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ सभी कर्मचारी संगठनों का धन्यवादी है, जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के लिए उन्होंने उनके संगठन को समर्थन दिया तथा इस पेन डाउन स्ट्राइक के लिए भी उन्होंने हमें समर्थन दिया, जिस कारण ये पेन डाउन स्ट्राइक पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी पेंशन विहीन कर्मचारियों के साथ साथ पुरानी पेंशन बहाली में आने वाले कर्मचारियों द्वारा भी की गई। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अब पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कर्मचारियों द्वारा आंदोलन की राह पकड़ ली गई है। यदि सरकार तुरंत पेंशन बहाल नहीं करती तो इससे बड़े बड़े आंदोलन हिमाचल प्रदेश में भविष्य में भी होने वाले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपना वादा निभाने का भी अनुरोध किया और कहा कि यू टर्न न लें, अपने दृष्टि पत्र के अनुसार किए गए वायदों को पूरा करें, धर्मशाला रैली स्थल पर कहे अपने शब्द भी पूरा करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा मृत्यु और अपंगता पर पारिवारिक पेंशन के प्रावधान को जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाएगा। दुख की बात ये है कि मुख्यमंत्री को लगभग 2 वर्ष पूरे इस बात को कहे हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये अधिसूचना हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं हुई है। इसके साथ मुख्यमंत्री द्वारा 6 मार्च 2003 से 17 के बीच हुए कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की घोषणा की थी, ये अधिसूचना भी जल्द लागू की जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार के ऊपर विश्वास है कि वे उनकी मांग पूरा करेगी। यदि सरकार कर्मचारियों के विश्वास को तोड़ेगी तो कर्मचारी अपनी मांग को मनवाने के लिए इसी तरह लगातार आंदोलन की राह पर चलेंगे और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती। जो है पूरे 15 जो हमारे ब्लॉक हैं महासंघ के, सभी ब्लॉकों में आज पेन डाउन स्ट्राइक का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें कि शिक्षण संस्थानों को छोड़कर सभी 100% इसके अलावा सभी कार्यालयों में जो है पेन डाउन स्ट्राइक इस टाइम चल रही है। क्या रणनीति रहेगी कर्मचारियों की? जो 2003 के बाद जो कर्मचारी इसमें हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करके एक नई पेंशन स्कीम प्रणाली में इसमें लाया गया है, इसके पूर्व जो विरोध हो रहा है, आज कर्मचारियों को जो रिटायर हो रहे हैं उनको मात्र 500 से 2000 तक पेंशन लग रही है, जो कि सामाजिक एक पेंशन जो लगती है उससे भी कम है। इसके लिए इसके लिए हम महासंघ पुरजोर तरीके से अपनी मांग उठा रहा है और इसी कड़ी में आज का भी ये आयोजन जो है ये लगभग सफल आयोजन, इसके लिए मैं पुनः सबका धन्यवादी हूँ। मैं लेखराज, नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिलाध्यक्ष मंडी। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में पेन डाउन स्ट्राइक का एक आयोजन चल रहा है इस टाइम, जो कि एक सांकेतिक स्ट्राइक आज होने जा रही है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक तमाम हमारे जितने भी कार्यालय हैं उसमें नई पेंशन स्कीम और इवन पुरानी पेंशन स्कीम वाले जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो पुरजोर हमारा साथ दे रहे हैं महासंघ का, और आज एक सफल जो पेन डाउन स्ट्राइक का आयोजन किया जा रहा है इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ अपने तमाम पेंशन भीन साथियों का। और इस आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश के जितने भी महासंघ रहे हैं, कर्मचारी संगठन हैं, इनके सबके जो है हमें आश्वासन और एक समर्थन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए मैं आभारी हूँ अपने महासंघ की राज्य कार्यकारिणी का, जिन्होंने पुरजोर तरीके से आज की इस पेन डाउन स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। सभी कर्मचारियों अधिकारियों का मैं धन्यवादी हूँ। धन्यवाद।